हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके मन में काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर हमें एक कोरोना वायरस हो गया है तो इसके बाद हम वैक्सीन कितने टाइम बाद ले सकते हैं, या फिर अगर हमने फर्स्ट डोज ले ली है और उसके बाद हमें कोरोना वायरस हो गया है तो हम सेकेंड डोज कितने दिन बाद लें, या फिर प्लाज्मा लेने के कितने दिन बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिटेल में इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो आप 14 डेज क्वारंटाइन या फिर डिस्चार्ज के 3 महीने के बाद सेफली वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने फर्स्ट डोज ले ली है उसके बाद आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तब भी आपको 14 डेज के क्वारंटाइन से और या फिर डिस्चार्ज के, जब आपका डिस्चार्ज हो जाए उससे 3 मंथ्स के बाद ही आपको वैक्सीन लेनी है। अगर आपको प्लाज्मा ट्रीटमेंट मिला है उसके भी 3 मंथ्स के बाद ही आपको कोविड की वैक्सीन लेनी है। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे किसी सीरियस इलनेस को लेके तो आपको 1-2 महीने के लिए वेट करना है, उसके बाद ही आप कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, वो भी कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स पास कर दिए हैं कि अब कोविड की वैक्सीन आप डिलीवरी के तुरंत बाद ले सकती हैं, ये एकदम आपके लिए सेफ है। साथ ही साथ में अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 14 डेज के बाद प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोविड की वैक्सीन ली है उसके भी 14 डेज के बाद आप प्लाज्मा या फिर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि आपको पहले RT-PCR कराना पड़ेगा। अगर RT-PCR नेगेटिव या पॉजिटिव है उसके बेसिस पे ही आपका वैक्सीन डिसाइड होगा, ऐसी कहीं भी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। तो आपको RT-PCR कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने से पहले। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप कब कब कोविड वैक्सीन ले सकते हैं अगर आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के मन में काफ़ी कॉमनली होते हैं। आशा करती हूँ आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।